नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाशिवरात्रि से दो दिन पहले इंडस्ट्रीज एरिया क्षेत्र थाना शहर यमुनानगर के बाहर शिव मंदिर में रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को CIA 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से मंदिर से चोरी की गई पीतल की मूर्तियां एवं अन्य सामान बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। CIA 1 के इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि चोरी की फिराक में दो युवक यमुनानगर सब्जी मंडी के नजदीक कॉलोनी में घूम रहे हैं। गुप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे दोनों संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिन्होंने शिव मंदिर में मूर्तियां चोरी करने की वारदात को कबूल किया। दोनों युवकों की पहचान चांदपुर निवासी कमल उर्फ भरत और चिट्टा मंदिर रोड निवासी सतीश उर्फ शीतल के रूप से हुई। इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि महाशिवरात्रि से दो दिन पहले 16 फरवरी को मॉडल टाउन निवासी अश्विनी कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि थाना शहर यमुनानगर के बाहर उनकी फैक्ट्री में शिव का मंदिर बना हुआ है, जहां पर रात को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वहां से पीतल की मूर्तियां, चांदी की 1 किलो की जोत और नकदी चोरी कर ली है। राकेश राणा ने बताया कि दोनों युवकों के पास से चोरी की गई पीतल की मूर्तियां एवं अन्य सामान बरामद कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इंचार्ज राकेश राणा ने जानकारी दी कि आरोपी कमल के खिलाफ पहले भी अलग धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौली की रिपोर्ट। शिवरात्रि से पहले 16 तारीख की घटना है, शिव मंदिर है थाना के पास ही। इसमें से काफ़ी उसमें से मूर्तियां और नकद चोरी हो गई थी, तो उसको संज्ञान लेते हुए हमने इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक कमल नाम का लड़का है और दूसरा सतीश है। जो कमल है, इसके ऊपर पहले से ही 6 मुकदमे ऑलरेडी चोरी के दर्ज हैं, और ये अभी दिवाली के बाद ही ये जेल से बाहर आया था और आते ही इसने इस वारदात को अंजाम दिया। और इसमें जो है, मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर से जो सामान चोरी हुआ था, उसमें एक तो जोत होती है जिसमें जोत लगाते हैं, वो चांदी की जोत थी और 1.5-2 लाख रुपये उसकी कीमत है, और अन्य मूर्तियां चोरी हो गई थी। जो सारा सामान, जो भी आर्टिकल उसमें चोरी हुए थे, सारा हमने बरामद कर लिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।